हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मेरे पास है MSC RV 9900 और इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप देखिए। एक दो थ्री टाइम में ये ब्लिंक हो रहा है, उसके बाद थ्री टाइम ये ब्लिंक करता है, उसके बाद ये रेड लाइट ब्लिंक होता है, होने लगता है, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या फॉल्ट रहता है मैं आपको बताता हूँ, और कैसे रिपेयर होगा मैं आपको बताता हूँ, आप देखते रहिए। इसको जितनी बार पावर लगाएंगे थ्री टाइम ऑन रहेगा। आप देखिए ये डेमो आ गया, डेमो का जैसे ही ब्लिंक करेंगे, लाइट ऑन करेंगे, वैसे ही ये थ्री टाइम ट्यूनर लिख के ब्लिंक करेगा, उसके बाद ये रेड लाइट ब्लिंक करने लगेगा। इसमें क्या फॉल्ट है मैं आपको बताता हूँ और कैसे रिपेयरिंग करना है, आप देखते रहिए। तो गाइस इसमें देखिए तीन रेजिस्टेंस हैं, 100 ओम से एक दो तीन, और इसमें लगे हैं, एक यहाँ पे लगा था और एक यहाँ पे लगा था, और दूसरा ऊपर वाली सर्किट में यहाँ पे लगा था। देखिए यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस जो है ख़राब है, 100 ओम्स के तीनों हैं, आप चेक कर लीजिए, ब्राउन ब्लैक ब्राउन, तीनों 100 ओम्स के रेजिस्टेंस हैं, तीनों ख़राब हैं। अब रेजिस्टेंस डालते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ मैं चालू हुआ कि नहीं, आप देखते रहिए। तो गाइस आप देखिए इसमें मैंने एक रेजिस्टर इधर लगा दिया है और एक रजिस्टर मैंने इधर ऊपर से मार दिया है, और एक रजिस्टर जो था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, देखिए यहाँ पे लगा दिया है, तीनों रजिस्टर लगा दिया। तीनों मीटर से चेक करोगे तो 100 ओम शो करेगा, 100 ओम से या 110 तो नहीं जाएगा, 99 या फिर 98 ऐसा समथिंग कुछ बताएगा। देखिए 100 मीटर पे पूरा 100 सेंट शो कर रहा है, 98 समझ लो, बजर पे रखूंगा तो बराबर शो करेगा, उसमें जो है आगे पीछे होते रहता है। देखिए बराबर 99 शो कर रहा है, उसके बाद फिर एक रजिस्टर हो गया, और दूसरा हो गया ये, तो गाइस यहाँ पे एक रजिस्टर था और बाकी दूसरा दो, इसमें दो एसटीके लगा है, तो दूसरा एसटीके नीचे है, चेक करते हैं। 4000 वाट का है ये, और ये परफेक्ट हो गया, देखिए एकदम परफेक्ट काम करने लग गया है। अभी चेक करते हैं आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी का फॉल्ट रहता है, तीन रजिस्टर ख़राब थी, यहाँ पे रजिस्टर रखा हुआ है, तो स्पीकर लगा के भी चेक कर लेते हैं आवाज़ आया कि नहीं, अब देखते रहिए। ये इसका RV 9900 पुराना मॉडल है, RV 50 RV 20, और फिर ये बट RV 20 में ट्रांजिस्टर आता है, RV 50 में भी ट्रांजिस्टर आता है, इसमें जो है एसटीके दिया हुआ है, देखते रहिए मैं चेक कर लेता हूँ आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गाइस इसमें आपको मैं एक आज पॉइंट की बात बताने वाला हूँ, इसमें आप देखिए एक यहाँ पे देखिए एक वायर लगा है, ये वायर, ये जो जिस पे स्क्रू लगा हुआ है ये वाला, ये स्क्रू लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है, अब देखिए क्लियर, देखिए यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है ये वाला, अगर ये वायर आपका नहीं लगा रहेगा तो अभी साउंड नहीं आएगा सिर्फ एक ये वायर से, क्योंकि वो हेडफोन मोड बताएगा, सिर्फ एक ग्राउंड की वजह से। इसमें पूरा सिस्टम है, मैंने रेजिस्टेंस डाला, सब कुछ डाला, डालने के बाद मैंने सिर्फ वो स्क्रू जो है टाइट नहीं किया था, इसकी वजह से आगे कुछ भी अपन करते थे तो सराउंड मोड लिख के आता था, और सराउंड मोड लिख के आएगा, सॉरी सराउंड पे जब करते थे तो HP लिख के आता था, HP सराउंड HP, वो तो हेडफोन में आवाज़ आएगा लेकिन बाकी सब में आवाज़ नहीं आएगा। तो ये चीज़ का आप खास करके ध्यान रखो कि सिंगल वायर अगर आपके उस पर सामने फ्रंट डिस्प्ले पे HP लिख के आ रहा है, नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल कुछ लिख के नहीं आएगा,
सिर्फ आप कोई भी मोड पे डालेंगे या साउंड फील्ड से आप बटन चेंज करेंगे तो आपको वो आएगा, लेकिन वहाँ पे एचपी मोड लिख के आ रहा था सिर्फ एक वायर की वजह से। मैंने रेजिस्टेंस डाले, निकाले, फिर से दो रेजिस्टेंस देखो, ऊपर से भी मारा, नीचे से भी मारा, सब कुछ करके देखा, लेकिन साउंड नहीं आ रहा था, उसमें एचपी मोड लिख के आ रहा था। तो मैंने जैसे ही वो स्क्रू लगाया और वो एचपी मोड चले गए, साउंड आ गए। देखते रहिए, मैं आपको अभी आगे से डिस्प्ले, फ्रंट डिस्प्ले में भी समझा देता हूँ कैसे क्या करना था।